स्वागत है दोस्तों आज के ब्लॉग में। तो आप भी यहाँ का विलेज लाइफ देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को टी गार्डन। अभी मैं नीचे टी गार्डन में जा रहा हूँ। यहाँ पर कई लोग अपना बकरा भी लेके आता है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ टी गार्डन में। तो आप भी यहाँ का टी गार्डन का व्यू देख सकते हैं। तो आप भी देखना चाहते हैं इस टी गार्डन को तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ ऊपर में आप लोग पीपल देख रहे हैं तो उसके सामने ही ठीक सामने ही बर भी है। तो कहते हैं यहाँ पहले बहुत पहले बुजुर्ग लोग ने बर और पीपल की शादी करवाया था। यहाँ के नीचे एक स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है। तो यहाँ से आप यहाँ का विलेज भी देख सकते हैं। इस विलेज में ऑरेंज की खेती भी करते हैं। तो शाम का टाइम इस जगह बहुत देखने के लायक होता है। शाम के टाइम में यहाँ का लोग यहाँ पर गाय और बकरियों को चराने के लिए ले आता है। तो यहाँ पर शाम के टाइम बहुत अच्छा होता है देखने के लिए। यहाँ का विलेज में संतरे और कई ऑर्गेनिक खेती करते हैं। यहाँ का विलेज लाइफ भी अच्छा होता है। यहाँ बर का छाव गर्मी में बहुत अच्छा होता है और टी गार्डन में काम करने वाला लोग यहाँ पर लंच करता है काम करके। यहाँ का व्यू पॉइंट से नीचे गांव भी दिखा जा सकता है। अभी शाम होने वाला है तो मैं अपनी घर की तरफ और जा रहा हूँ। तो रास्ते में मैं आप लोगों को और भी चीज़ों को दिखाऊंगा। यहाँ नीचे खेत में मिर्ची को उगाया गया है। तो अभी तो छोटा छोटा है मिर्च
वो बोल रहा था यहाँ पर 100 से 150 दैनिक तक मिर्ची लगाया गया है इस खेत में, अभी तो छोटा छोटा ही मिर्ची। यहाँ पर छोटे छोटे अमरूद भी हुआ है, अभी तो छोटा छोटा है लेकिन अगस्त सितंबर में शायद खाने लायक हो जाएगा। यहाँ पर रमबेड़ा को भी उगाया गया है। यहाँ पर मधुमक्खी भी रखा हुआ है।